हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग चैनल पे। तो भाई आज है मेरी 10 मिलियन की पार्टी और सिब्बू भी नहीं है यहाँ पे, विनय भी नहीं है, दोनों गए हुए हैं बाहर, सिर्फ इंस्टा को अकेला छोड़कर, और इंस्टा आराम से सो रहा है। तो अभी का जो सीन है वो ये है कि अभी मैं रेडी हो रहा हूँ, तैयार होके नहा धो के निकलता हूँ और सिब्बू गई है सैलून बाल वाल कटवाने, सजने धजने, तो वो अभी तैयार होके, वो सैलून से तैयार हो जाएगी और भाई हम यहाँ तैयार हो जाते हैं अपने बाथरूम में ही, ठीक है। और विनय गया हुआ है कुछ गिफ्ट लेने मेरे लिए, मेरे को जो लग रहा है, क्योंकि मेरे को कह रहा था कि भाई तू आई वॉच ले आया, तूने गलत किया, मैंने तेरे लिए आई वॉच सोच रखी थी। अब भाई मुझे क्या पता, आई वॉच मेरे को पहले गिफ्ट में मिल गई, वो भी फ्री फंड में। तो 10 मिलियन की पार्टी के लिए अभी हम सब लोग निकलेंगे, तो उसको उसी के लिए मेरे को गिफ्ट देना था, तो उसने आई वॉच सोच की थी, पर वो मेरे को कल ही मिली, जस्ट कल ही। तो वो भी कुछ और गिफ्ट देखने गया है, देखते हैं क्या गिफ्ट देगा वो मेरे को। तो यहाँ से इंस्टा को ले गए घर के लिए निकलेंगे, इंस्टा को घर छोड़ के फिर पार्टी के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इंस्टा को अकेला नहीं छोड़ते, कभी अकेला नहीं छोड़ते हम अपने इंस्टा को, फिर ना इसका खाना पीना अच्छे से हो पाता अकेले में, और ये काफी चीजें तोड़ फोड़ कर देता है जब अकेला होता है, खुंदस में आ गया कि मेरे को अकेला छोड़ के चले गए, तो ये तोड़ फोड़ मचाने लगता है। तो चलो भाई अभी बातें कम करते हैं और नहा धो के तैयार होता हूँ और निकलते हैं फिर। वाओ कितनी ब्यूटीफुल आईज है इंस्टा तेरी, काजल डाल रखा जैसे तो सारा दिन खेलता रहता है। मेरे को मत काट लियो बस तू। तो गाइस बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और मैं बस नहाने जा रहा था, इतने में सिब्बू का फोन आ गया कि चलो भाई मैं सैलून में मेरा सारा काम वाम हो चुका है, तो मेरे को सैलून आ जाओ लेने। मगर पैदल आ जाए क्या दिक्कत है। तो कह रही बहुत ज्यादा धूप है, अभी मेरे को आके पता लग रहा है बहुत ज्यादा धूप और गर्मी है, तो चलो एक बार सिब्बू को ले आते हैं चल के। तो गाइस ये सिब्बू अपनी कटिंग करवा गया, ये देखो कैसे लग रहा है तू बता, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है भाई, मेरे को तो सिर्फ अपने बाल कटवाने आते हैं, मेरे को पता है मेरे को कैसे बाल कटवाने और कैसे होने। लग रहा है मैंने बाल कटवाए हैं। अब तू ये बता यहाँ से तैयार होने में कितनी देर लगाएगी वापिस माँ? मैं जाऊंगी नहाऊंगी। सिब्बू टाइम नहीं है, 2:30 बज चुके हैं। अच्छा, अब एक बात बताऊं, पहले इंस्टा को घर छोड़ना है और उसके बाद। भाई देखो तैयार होके बिठाओगे तुम गाड़ी में मेरे को, मेरे कपड़े सारे इंस्टा कर देगा खराब। क्यों कर देगा खराब, यहाँ बिठाऊंगा ना मैं। तो गाइज मैं तो नहा लिया हूँ, अभी मेरे पास सिब्बू नहाएगी और सिब्बू ने मैगी बनाई थी सिंपल, लेकिन मैंने इसको इंस्टेंट मस्त कर दिया, इसमें थोड़ा सा सोल्ट ऐड करके और ऊपर से थोड़ा सा ओरिगेनो डाल दिया, तो इंस्टेंट मैगी बढ़िया हो गई। तो जल्दी से खा के नहा लियो, मैं तो रेडी हूँ, देख अब तेरे को रेडी होना है। तो भाई विनय गया था मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेने, क्या लाया भाई? क्या कुछ लिख रहा है? तो ये क्या है, तेरे को क्या लगा कि तू गिफ्ट लेने जाएगा और मेरे को पता नहीं लगेगा? लाया क्या है ये बता। सरप्राइज बाद में दिए जाते हैं, ऐसे सामने नहीं। देख मुझे पता है तेरे को आई वॉच देनी थी पर नहीं, पर नहीं दे पाया। कोई नहीं, मेरे पास आ गई पहले ही। एक काम कर तू मेरे को शूज दिला दियो, मेरी मर्जी के बता। डन, शूज ले लूंगा। देख ऐसी चीज लूंगा ना जिसकी जरूरत हो, अब तू ऐसी कुछ भी उठा लाए। कुछ भी क्या भाई, एप्पल वॉच देनी थी मेरे को तो। एप्पल वॉच देख आगे, अब तू कह रहा है एयरपोर्ट्स ले ले, एयरपोर्ट्स मेरे को नहीं यूज करने, आएंगे पड़े रहेंगे इधर उधर। जूते चाहिए तेरे को? जूते यूज में है, जूते लेने चल लेंगे, महंगे वाले लूंगा। लेकिन ले ले भाई, कौन कितने महंगे ले रहे बता। 40,000-35,000 वाले, 50 तक का बजट है मेरा। 50,000 तक के जूते ले लूं? चल ठीक है, ओके डन, पार्टी के बाद ही ले पाऊंगा, अब तो खैर निकलना है, रेडी हो ले, बैठ मत, चल नहा ले भाई। तो गाइस मैं फाइनल रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं इंस्टा को जमा करा के आ रहा हूँ। पहले तो हमारा प्लान था कि इसको घर पे छोड़ देंगे, बट घर लेके जाऊंगा फिर वहां से पार्टी के वेन्यू पे जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा, तो इसीलिए अभी मैं इंस्टा को यहाँ पास में ये क्लिनिक है और वो मतलब डॉग वॉग को मतलब रख लेते हैं, तो वहां पे इंस्टा को जमा करा देंगे, जब हम पार्टी से वापस आ जाएंगे तो इंस्टा को भी वापस ले आएंगे। चलो इंस्टा जमा करवा के आते हैं तेरे को, चलो आराम से। अभी हम इंस्टा को यहाँ पे छोड़ देंगे पेट क्लिनिक पे, हमें इसको जमा करवाना है सुबह तक के लिए, दाखिला दे दो इसको एक दिन का, इंस्टा फ्रेंड्स बना लियो यहाँ पे अपने। नए काटेगा तो नहीं, नया वाला डॉग इसको कहाँ पे, इसका कौन सा रूम है, बाहर ही रखना अकेले में, ये थोड़ा सा खिसकिसाने लगता है, अभी कर लेंगे। तो इंस्टा को जमा करा दिया है, सिब्बू रेडी हो रही है अभी ऊपर, फिर मैं तो रेडी हूँ, फिर निकलते हैं हम। तो गाइस सिब्बू रेडी हो रही है, सिब्बू ने देखो ये कपड़े डाले हैं, और गाइस मैंने ये कपड़े डाले हैं, अंदर ये टी शर्ट, ऊपर से ये हाफ जैकेट, जीन्स और ये शूज। तो मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बताओ, 10 मिलियन की पार्टी के लिए अच्छे से रेडी हुआ हूँ मैं आज, आई होप मैं अच्छा ही लग रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ सिब्बू? ठीक ठाक लग रहे हो? अच्छा बस ठीक ठाक, ये इसको देखो। अरे हटो यार, तुम ही जा रहे हो भाई, हटो भाई, नंगा पुंगा आदमी भाई, तैयार हो ले यार। भाई अच्छा लग रहा हूँ मैं। गाइस मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं सही लग रही यार, मेरे ना आर्म्स देख थोड़े हैवी है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ फुल पहन लूं। हैवी क्या है, मोटी हो गई तू, ठीक से बोल, ये क्या होता है, कवर क्यों कर रही है, बोल मोटी हो गई मैं। पकड़ो फोन, पकड़ो जाओ यहाँ से भागो। तो गाइस हम सब लोग रेडी है और अभी निकल रहे हैं, हमें जाना है बख्तावरपुर रोड, बुराड़ी के पास पड़ता है, वहाँ पे फार्म हाउस बुक कर रखा है पार्टी के लिए, तो चलो जल्दी से निकलते हैं। निकले ब्रो,
निकले सिब्बू। तो गाइस अभी हम अपनी गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं। हाँ देख लिया भाई, देख लिया, जीरो डालो डालो। तो गाइस पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन विनय यहाँ से ले रहा है मोट कचौड़ी, नहीं तू राजमा चावल ले रहा है चावल, और सिब्बू मोट कचौड़ी। भाई भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया। और मैं सिकंजी पी लेता हूँ थोड़ी सी क्या, पूरी पीऊंगा पूरा गिलास। तो गाइस हम लोग अपनी फार्म वाली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये देखो सामने है, दो हाथी हमारे स्वागत में खड़े हैं, और ये लूथरा फार्म्स करके हमने बुक किया है पार्टी के लिए। अभी पीछे से विनय बनाएगा व्लॉग, अपनी गाड़ी अंदर जाके पार्क कर देते हैं और देखते हैं कि कौन कौन आया हुआ है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं और मैं भी व्लॉग कर रहा हूं इसी के साथ। हाय अपन, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। मस्त फार्म हाउस है, अभी अंदर चल के देखते हैं क्या होगा। दूर है तो क्या हुआ। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और देखो सब रेडी है, ये पप्पू मामा को देखो। अरे मैं जा रहा हूँ रेडी होने भाई, ऐसे ही जा रहा पार्टी में आप। अरे भाई सुन, 10,000 रुपए जूते खरीद के लाया हूँ, स्पेशल अभी दिखाता हूँ, आ जा। कसम से 10,000 जूते खरीद के लाया तेरे, स्पेशल गया हूँ, 10,000 के जूते खरीदे मैंने अभी। दिखाओ टिकी बोलना, दिखाओ। ये देख लो भाई, पार्टी के लिए स्पेशल 10,000 रुपए के जूते आए हैं। आई लाइक यू स्केचर्स, यू लाइक मी माई गुच्ची शूज सुनी, स्केचर्स ओरिजिनल है भाई। चेंज कर रहे हो भैया मेरे साथ? देखो मेरे बैलेंस आ गया यार, कहां से मेरे बैलेंस ही आ गया है, आपके स्केचर्स है। तो भाई ये है पूरा पार्टी का वेन्यू, ये देखो अभी चल रही है डेकोरेशन, ये डीजे है, वो मेरी फोटो लगी हुई 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए। अभी कोई नहीं आया, अभी कुछ ही लोग आए हुए हैं, आएंगे धीरे धीरे, पर मैं आ गया हूँ टाइम से, क्योंकि मेरे को तो आना ही पड़ेगा ना, मेरी पार्टी है यार। और ये देखो भाई यहाँ पे है ये पूल, तो यहाँ पे पूल वूल में जिसको लौटना हो, कूदना हो, नहाना हो, वो सिब्बू धक्का मार दूं ऐसे कैसे? अभी नहीं रचित, देखो प्लीज रचित मैं जान के कूद जाऊंगी और फिर घर जाऊंगी लड़ाई करके, तुम्हें पता है मेरी आदत पूरे रास्ते पता ही है आदत तो पता है भाई। भाई विक्की भाई आया, थैंक यू विक्की भाई, कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि 5 बजे का टाइम दे के और इतनी लेट क्यों स्टार्ट किया आपने पार्टी? थोड़ी लेट स्टार्ट हो तो सही लगता है ना। हेलो बेटा, हेलो भाई, ये छोटी सी बच्ची मेरे लिए लाई थी, वैसे मैं चॉकलेट खाता नहीं हूँ, कहाँ गई? मेरी तरफ से इसमें से 2-4 खा लेना। हाँ भाई हो गई पार्टी स्टार्ट, हो रही है, अभी फोटोग्राफी चल रही है। तो गाइस ये देखो पूरी डेकोरेशन, बढ़िया पार्टी हो रही है भाई, अंदर सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो आधे लोग आए भी नहीं, अभी आएंगे धीरे धीरे करके। तो भाई ये भाई आए हैं, हेलो। अरे हिमांशु भाई क्या हाल है? मुबारक हो भाई 10 मिलने के लिए। गुरदीप भाई क्या हाल है? गुरमीत भाई कहाँ है? भाई मैं तुमसे नाराज हूँ भाई, सुनो हमारा क्या हुआ? मैं तुमसे नाराज हूँ भाई, हम लोकेशन में भाई गलत आ गए, आजादपुर मंडी पहुंचे भाई, मैं तुमसे भी नाराज हूँ, लोकेशन गलत लग गई थी भाई, मैं तुमसे भी नाराज हूँ। और आगे देखो टाइम, गुरमीत भाई कहाँ है? आ रहे आ रहे आ रहे यार, इतना लेट कर दिया यार तुमने भाई, यार दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता ही है यार, इनने बताया दिल्ली में शिफ्ट हो गए तुम? हाँ 1 महीने के लिए। दिल्ली में कहाँ पे? शेखपुर। अच्छा चलो अभी पार्टी में मौज मारो, अभी कुछ सबसे ज्यादा स्मार्ट तो मैं ही लग रहा हूँ। अच्छा अभी पानी फेंकेंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं ना भाई? यार दे नहीं यार, पानी में नहीं यार, अब तो पक्का मेंशन किया था कपड़े के, भेजा था उसने मेंशन किया था कि ब्रिंग एक्स्ट्रा क्लोथ्स। यार मैं क्लोथ्स तो ले, अंडरवियर नहीं लाया यार। कोई नहीं ये बन जाएगा भाई, पानी में फेंक दे। अब तो पानी में, तो हम भी हेल्प कर देंगे, ऐसे ही फेंक दूसरे दूसरे को ले जा पानी में, ठीक है भाई? तो गाइस आज मैं आपको मिलवाऊंगा पप्पी मामी से। हेलो पप्पी मामी, क्या हाल है? मामा कहाँ है? थैंक यू मामा से क्या? अच्छा मामा से डिवोर्स ले लिया? मामा की छोटी बेटी मेरे बगल में खड़ा है, वो कौन है? ये छोटी है क्या? ये सिर्फ मेरे को जानती है, लोग बन रहे हैं। हां मेरे को जानती है। हेलो मामा जी। हेलो मामा जी, पप्पू जी, मामा जी। तो भाई हेलो भाई, क्या हाल है मेरा भाई लखन भाई? हेलो भाई। हेलो भाभी जी, हेलो हाउ आर यू भाई? और ही आ गया क्यों भाई, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, और सब लोग कहाँ हैं यार? प्रैंक करने जा रहे हैं, बहुत तेज़ है। सिबुवरी समझ गया, पहले मैं समझ गया, तो उनकी समझ आ गया, इसने पूरी कोशिश करी थी प्रैंक सक्सेसफुल हो, पर हो नहीं पाया। सिबु हेलो यार, फिर तो बड़ा घटिया था भाई। तो पंकज भाई क्या हाल है? भाई पंकज भाई तुमसे खफा हूँ मैं। अरे भाई लजू भाई तुम बहुत लेट आयो। अरे भाई बहुत 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 गलत बात है भाई, आने की सजा देंगे हम। सजा
ये आ गया है, अब पार्टी में तबाही मचाएगा। इसको पानी में फेंकेंगे, मेन लोग तो आ गए। सबसे पहले इसको पानी में फेंकेंगे। भाई काफी लोग आ गए हैं, देखो फोटोग्राफी चल रही है। भैया नमस्ते। बिल्कुल सीधा जीटी का बाईपास। तो भाई सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे और पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं पकौड़े खा रहा हूँ। तो गाइस ये सोना भी आ चुकी है, बहुत लेट आई है। इधर तो देख ले, मुंह मत छुपा, मुंह मत छुपा। तू लाए मेरा पिंदरा आ मेरी नैना।